फ्लिपकार्ट में हर टाइम कोई ना कोई सेल आती रहती है, और सेल में भी हमारा फायदा हो जाए ना, तो भाई इससे अच्छी बात तो कोई नहीं है। फायदा कहां से होगा, जब हमारे ज्यादा ज्यादा पैसे बचेंगे और सेल में हमारी जेब से कम पैसे लगते हैं। और आजकल तो यार बैंक वाले तरह तरह के ऑफर निकाल रहे हैं, और मैंने भी एक प्रोडक्ट बाय कर लिया है। आज मैं आपको उसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, और ये जो चीज है ना ये मुझे बहुत सस्ते रेट में पड़ गई है। यार ये जो नीचे चीज रखी है ना ये बहुत बड़ी है, और मुझे लगा कि यार बस इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। बहुत दिन हो गए थे 40 इंच की टीवी को यूज करते करते, अब बारी थी 55 इंच की, थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है। देख लीजिए 4K वाली टीवी है, 55 इंच की टीवी है, और कहीं फ्लिपकार्ट में आपको और डिस्काउंट मिल जाए ना तो भैया बिल्कुल मक्खन और मलाई जैसा हो जाएगा, मतलब आपके और भी पैसे बच सकते हैं। ये टीवी मैंने खुद बाय करी है, अपने रूम में लगवा लिया है, और बहुत ही कमाल की टीवी है। आज हम इसी टीवी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि यार ये टीवी मैंने क्यों बाय करी है। क्योंकि मार्केट में शाओमी है, बहुत अच्छी कमाल की टीवी निकल रहा है, साथ में थॉमसन है, और भी बहुत सारे ब्रांड है, और आपको ये भी पता होगा कि यार सैमसंग सोनी जैसे ब्रांड भी मार्केट में बैठे हुए हैं, और ये तो बहुत बड़े ब्रांड है, इनकी जो टीवी होती है वो तो और भी महंगी होती है। चलिए फटाफट इस टीवी के बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं यार इस बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं, ये टीवी बहुत बड़ी है, यदि आप अकेले खोल नहीं पाते ना तो यार जब इंस्टॉलेशन वाला है तब उसी से खोलवा लीजिएगा, नहीं तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं। मैंने तो तभी खोली थी जब इंस्टॉलेशन वाला मेरे घर आया था, और जब भाई ने टीवी निकाली ना तब बड़ा मजा आ गया था। जैसे बॉक्स से आप टीवी निकालेंगे तो सबसे पहले आपको चमचमाते हुई टीवी दिख जाएगी, और टीवी की क्वालिटी की बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको दो रिमोट मिल जाएंगे, एक तो रिमोट है नॉर्मल वाला, यहां पर आपको YouTube मिल जाता है, यहां पर आपको Netflix मिल जाता है, Amazon Prime मिल जाता है, और भी बहुत सारी बटन है, और जो रिमोट की क्वालिटी है वो भी काफी धांसू है, और ये रिमोट आपका सारा का सारा काम कर देगा। यदि आपको ये रिमोट नहीं पसंद आता तो यार यहां पर दूसरा रिमोट है, ये है एयर माउस, आप अपने रिमोट को माउस जैसा यूज कर सकते हैं, और ये भी बड़े कमाल का रिमोट है। यहां पर आपको बैटरी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहां पर USB से ये रिमोट चार्ज हो जाएगा, और ये रिमोट भी बहुत अच्छा है। यदि आपको ये दोनों रिमोट नहीं यूज करने तो आपके पास eShare का भी ऑप्शन है, बस आप eShare वाली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, और आप अपनी टीवी को अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं तो भैया यही वाला रिमोट यूज करता हूं, मतलब eShare, यहां पर हर एक चीज आसानी से हो जाती है, और आजकल तो फोन सबके पास होता है, जितनी चीजें फोन में हो जाए उतना अच्छा आ जाता है। और उसके बाद यहां पर आपको एक चीज और मिलती है, और ये जो चीज है ये है IRSTB कंट्रोलर, ये भी बड़े कमाल का है। अब यदि आपको अपनी टीवी को टेबल में रखना है तो आपको स्टैंड मिल जाता है, स्टैंड की क्वालिटी भी काफी कमाल की है, और ये मेटल का स्टैंड है। यदि आपको अपनी टीवी को दीवार में लगाना है तो आपको दीवार में लगाने के लिए वॉल माउंट वाला पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाता है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यदि आपको दीवार में लगाना है तो यार JVC के कस्टमर केयर को बस कॉल करिए, और आपके घर आ जाएगा इंस्टॉलेशन वाला, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपकी टीवी को चिपका देगा आपकी वॉल पे, और बड़े कमाल की ये टीवी है। और मेरे घर पे जब इंस्टॉलेशन वाला आया था ना तो भाई ने टीवी खोली थी, भाई ने हर एक चीज करी, और मुझे सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से समझा दिया है। अब आप ये देख लीजिए कितने फटाफट यार इसने इंस्टॉल कर दिया है, और मैंने सारा का सारा वीडियो बना रखा था तो मुझे लगा कि यार आपको भी दिखाना चाहिए। We'll be right back.
लेते हैं टीवी की। इस टीवी की सबसे खास बात यह है कि यार ये आती है 55 इंच। यदि आपको कुछ अपग्रेड करना है ना तो यार 55 इंच में आपको 4K वाली टीवी मिल जाती है और यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है ये आपको मिल जाता है 3840x2160। मतलब यार इसका जो रिजोल्यूशन है वो बड़े कमाल का है। आप कोई भी वीडियो देखेंगे ना तो यार आपको बहुत मजा आने वाला है। और इस टीवी की जो पैनल है, जो इसकी क्वालिटी है, उससे भी आप निराश नहीं होंगे। बड़े कमाल का यहाँ पर आपको पैनल मिल जाता है। लेकिन JVC को लोग जानते हैं इसकी स्पीकर के लिए। तो यार इस टीवी की सबसे कमाल की यही बात है कि यार यहाँ पर आपको मिल जाता है 50 वॉट का स्पीकर। और इस प्राइस रेंज में अभी तक मुझे नहीं लग रहा यार किसी टीवी में आपको 50 वॉट का स्पीकर मिलता है। स्पीकर की आवाज जब आप सुनेंगे ना तो आप यही कहेंगे कि भैया बिल्कुल DJ बना दिया है। मतलब आपको मिल जाती है 4K वाली टीवी, आपको अच्छे वाले स्पीकर मिल जाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर आप हर एक चीज कमाल की कर सकते हैं। बस इस टीवी की सबसे बड़ी जो कमी है, जो मुझे खलती है, यहाँ पर एंड्रॉयड का जो वर्जन मिलता है वो मिलता है आपको लॉलीपॉप। यहाँ पर यार लॉलीपॉप यदि अपग्रेड कर देना तो मजा आ जाएगी, क्योंकि यार 2019 चल रहा है, अभी भी आप पुराने वाले सिस्टम में चल रहे हो। यार JVC वालों प्लीज इसे अपग्रेड कर दो। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है और आराम से बहुत सारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो अमेजोन प्राइम देख लीजिए, चाहे आप यूट्यूब देख लीजिए, चाहे आप नेटफ्लिक्स देख लीजिए और चाहे तो आप Gaana.com से म्यूजिक सुन लीजिए। यहाँ पर आपको 3 HDMI पोर्ट भी मिल जाते हैं और साथ में 2 USB भी मिल जाते हैं। मतलब आप अपनी पेन ड्राइव को भी यूज कर सकते हैं। मतलब इस टीवी में आपको कनेक्टिविटी के लिए भी सारी चीजें दे दी गई है। मैंने इस टीवी को वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है तो यार यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा देते हैं। अब आप देखिए व्हाट्स न्यू, जो भी चीजें वीडियो में नई नई चल रही है वो सारी की सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर फीचर्ड ऐप का भी ऑप्शन आ जाता है, ऐप स्टोर है, हंगामा प्ले है, फेसबुक, ये सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है। मीरा काश का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, एप्लीकेशन मैनेजर, यदि आप यहाँ पर जाते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और भाई क्लीन भी कर सकते हैं। चलिए इससे एग्जिट आते हैं। यूट्यूब, जो सबके लिए आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और आप मेरे वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिख जाता है, ब्राउजर का ऑप्शन दिख जाता है और भाई प्ले स्टोर भी यहां पर है। आई मिरर, ई शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से आप अपने फोन का रिमोट बना सकते हैं। जीमेल ऑप्शन मिल जाता है, प्राइम वीडियो मिल जाता है, ये तरह तरह की एप्लीकेशन यहां पर आपको दिख जाती है। आराम से आप सब कुछ कर सकते हैं। म्यूजिक दिख रहा है, स्पोर्ट दिख रहा है, एक बार सेटिंग भी देख लेते हैं। सेटिंग में आकर यदि आपको सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करना है तो यहां पर आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाता है, लैंग्वेज मिल जाता है, टाइम, ये तो सबको पता है, सिस्टम सेटिंग आ जाता है। यदि यहां पर कोई अपग्रेड आता है तो भैया अपग्रेड भी हो जाएगा। एक बार सिस्टम सेटिंग खोलते हैं कि सिस्टम सेटिंग में क्या कुछ है। सिस्टम सेटिंग में अब आप देखिए यहां पर यदि आपको थीम की स्टाइल चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, होम डिस्प्ले, टाइम, ये सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपको अपना गूगल अकाउंट चेंज करना है तो वो भी ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। चलिए अब बैक आते हैं, कोई एक वीडियो लगाते हैं और देखते हैं यार वीडियो की क्वालिटी कैसी है। पॉइंट बता देता हूं कि यार ये टीवी मैंने क्यों बाय करी है। सबसे पहला रीजन है इस टीवी का जो प्राइस है, यहां पर आपको 38,000 रुपए में 4K वाली टीवी मिल जाती है। और कहीं आपको फ्लिपकार्ट में कुछ और डिस्काउंट मिल जाए, बैंक की तरफ से ऑफर चलता रहता है, कभी फ्लिपकार्ट की सेल आ जाती है, तो ये टीवी आपको और भी सस्ती पड़ जाएगी। दूसरा रीजन, यहां पर आपको जो साउंड सिस्टम मिलता है वो सबसे मक्खन मिलता है। यहां पर आपको 50 वॉट के स्पीकर मिलते हैं और मेरे हिसाब से मार्केट में और कोई टीवी नहीं है 50 वॉट के स्पीकर के साथ, वो भी 55 इंच पे। मतलब यहां पर आपको साउंड की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तीसरा रीजन, इसकी पिक्चर क्वालिटी, यहां पर आपको 4K वाली पिक्चर क्वालिटी मिलती है और देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके साथ साथ यहां पर आपको हर एक चीज कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहां पर आपको एयर माउस मिल जाता है, यहां पर आपको नॉर्मल वाला माउस मिल जाता है, यहां पर आप अपने फोन को भी रिमोट बना सकते हैं। बस मैंने आपको यह बता दिया यार, यहां पर बस लॉलीपॉप को अपग्रेड होने की जरूरत है। मेरे हिसाब से इस टीवी को आप बाय कर सकते हैं। इस टीवी में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है।
अब आप मुझे बताइए आपके हिसाब से इस टीवी की सबसे बड़ी कमी क्या है और आपको क्या लगता है इस टीवी का जो प्राइस है ये सही है कि नहीं सही है। और यदि आप इस टीवी को बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाइए और इसे बाय कर लीजिए। और यदि आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।